से आराम करा जैसे रिटायर्ड आदमी हो। एक दिन लेट हो गया उठने में तो रिटायर हो गया आपकी नजर में। आपका तजुर्बा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब धरा का धरा रह जाता है जब आपको एहसास होता है कि कोई मोटी बुद्धि का आदमी आपको मूर्ख समझ रहा हो। मेरे लिए 5-स्टार रिसोर्ट की बुकिंग करवा दीजिए, महाबलेश्वर का एक पैकेज करके दीजिए कमिंग वीकेंड पे। क्या हो गया? अंबर, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है। कहाँ? पता नहीं, कहकर गया है कि वापस कभी नहीं आएगा। ये किसको फोन कर रहे हैं? पुलिस में फोन लगा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वहाँ इंस्पेक्टर। एक मिनट डॉक्टर साहब, पहले आप अपने बेटे को तो फोन कीजिए और उससे पूछिए क्या हुआ, क्या बात हुई। अंबर का फोन नहीं लग रहा है, वाइफ कह रही है। डॉक्टर साहब एक बार फोन ट्राई करके देखिए, इसमें हर्ज क्या है, या फिर उसके दोस्तों से बात करके देखिए, हो सकता है उनको कुछ पता हो। या ऐसा करते हैं, हम उसके कॉलेज जाके पता कर लेंगे, पर आप एक बार उसको फोन करके तो देखिए। हेलो अंबर। हाँ पापा। तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? कहाँ पर हो तुम? कॉलेज में। क्या हुआ? अरे अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। हाँ वो ऑफ था, मैं क्लास में था ना। ओके ओके, सब ठीक है ना? हाँ। तो फिर तुम अपनी मम्मी से ये कहकर क्यों घर से निकले कि घर छोड़ के जा रहा हूँ? डैड यू नो ना, शी इज टू मच। बेटा वो रो रही है, यू नो हाउ मच शी लव्स यू। हेलो। हाँ सॉरी। ओके एनीवे, देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। ओके और हो सके तो मम्मी को फोन कर लेना, शी इज क्राइंग। हेलो। हाँ बोलिए। फोन कर लोगे ना अंबर? हाँ पापा, पर देयर इज नो पॉइंट। वो कभी नहीं समझती मेरे को, शी नेवर अंडरस्टैंड्स मी, और कभी रेडी भी नहीं होती समझने को। इट्स ओके, एक बार कर लेना फोन। प्लीज डैड, डोंट फोर्स मी। मैं उनको रियलाइज कराना चाहता हूँ वो गलत हैं, शी इज रॉन्ग। जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है? ओके बाय। सप्तेन, बच्चों को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। यस आई अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, आपको अब भी लगता है कि हमें IVF के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहिए? Why not? आपके इस अनुभव को देखते हुए डॉक्टर साहब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। अरे जोशी साहब, जिंदगी के हर तजुर्बे को हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों को बुरे दौर से गुजरते हुए देखकर भी यदि कोई वही अनुभव लेना चाहे तो क्या कहेंगे इसको? अब ये बहस तो अनंत है। ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को शाम के लिए बचा के रखते हैं, और दो दोस्तों की भी राय मिल जाएगी। माँ की फैसला तो आप ही को करना है। आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन।
जफर साहब कमाल का समा बांध दिया है आपने। वाह वाह कमाल की कंपोजिशन है, क्या बात है। प्यार है आप मित्रों का प्यार है और क्या है। लेकिन मैं तो एक चीज से सरप्राइज हूं और वो आप समझ गए होंगे। डिल्लन साहब है? अरे इतना अच्छा तबला, इतनी अच्छी संगत, और क्या क्या कर लेते हो। कुछ नहीं नहीं कुछ तो है जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिलन साहब आपने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये मॉडेस्टी जो आप दिखा रहे हैं ना, ये आउट ऑफ प्लेस लग रही है मुझे। कमाल कमाल किया आप दोनों ने सर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। देख रहे हो, कुछ बोलो अभी। तुमको क्या लगता है? I'm very happy without you. मैंने ये कब बोला? नहीं, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना मुझसे। ये बात ना मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। मुझे शिकायत नहीं है तुमसे, बस एक सवाल है कि हम एक दूसरे से क्यों झगड़ते हैं। मैं अकेली झगड़ा करती हूँ। बात वो नहीं है कौन किससे करता है, बात ये है कि अगर हम एक दूसरे को लाइक करते हैं तो फिर झगड़ा क्यों। Maybe हम दोनों के दूसरे से ज्यादा expectations है। या फिर ट्रस्ट नहीं है। देखो ट्रस्ट की बात नहीं है, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता ना तो आज हम साथ में नहीं होते। एक बात कहूं, प्लीज इतना पॉसेसिव मत हो मुझे लेके। वो मेरे हाथ में नहीं। अगर ऐसा करोगी ना तो हमेशा झगड़ते रहेंगे। ट्रस्ट करो बस। तुम सुन रही हो ना? If you love somebody, set them free. And if they come back, they are yours. Right. सोचती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है। Sorry, लेकिन please, तुम भी मुझे लेकर ना लापरवाह मत बनो। Okay, Baba, I will be careful. पर तुम एक promise करो पहले। क्या? आज के बाद ऐसा message कभी नहीं भेजोगी। कभी नहीं। Promise me. प्रॉमिस बाबा, वैसा मैसेज कभी नहीं भेजूंगी। डायरेक्टली जाके मर जाऊंगी बट मैसेज नहीं भेजूंगी। खुश रिनी प्लीज। बाबा चिल, मजाक कर रही हूँ। मत करो ऐसा मजाक, मैच्योर हो जाओ। मतलब मैच्योरिटी तो अपने आप आती है ना वक्त के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझ में आ गई है और तुम्हें नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैच सही नहीं है। अंबर, मैच कभी बराबर वालों का नहीं होता। मैच हमेशा बराबर वालों का होता है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैच में दो टीम्स की होती, एक हारती और दूसरी जीतती क्यों, बताओ। रिनी ये मजाक नहीं है। मुझे भी पता है ये मजाक नहीं है। मैच इज मैच, अगर हम मैच को सीरियसली लेंगे तभी तो सीरीज जीत पाएंगे ना। रिनी यू आर इम्पॉसिबल एंड यू आर स्टूपिड। कभी तो हंस लिया करो टम्बो। तुम्हारी जिंदगी ना पूरी फिल्मी है और एक्शन भी, और तुम्हारी पूरी नॉन फिल्मी ना एकदम बुकिश। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी फिल्मों से अलग हो जाएगी ना उस दिन तुम मैच्योर हो जाओगी। एंड आई होप वो दिन कभी ना आए, बिकॉज़ यू नो व्हाट, आई वांट टू स्टे फॉरएवर यंग। पागल, मैं मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। समझ रही हूँ मैं भी, बट यू नो व्हाट, मुझे उस टाइप के बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं जो होते 1.5 फुट के पर उनकी बातें बुड्ढों जैसी। ऐसी कोई बात है जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं हो? है ना, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। चलो
यूजुअल नॉन फिल्मी वाली हैसियत है ना। हम जिंदगी के हर पहलू पर नजर नहीं रख सकते, उसको जब जो करना होता है चुपचाप कर जाती है, और तब हमें एहसास होता है कि हम वाकई बेबस हैं। और किसी और के तजुर्बे से कोई कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए जिंदगी का एक नया रूप होता है, उसे देखने के लिए हर इंसान की नजर अलग होती है, उसके खेल भी अलग होते हैं। मेरी बेटी न जाने कब बड़ी हो गई। एक बार उसकी सालगिरह के दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, अराधिता अराधिता बेटा कपड़े क्यों बदल लिए? यू वर लुकिंग गॉर्जियस इन दैट साड़ी। डैड अब मैं फ्रेंड्स के सामने थोड़ी ना भैंसी बन के जाऊंगी। बेटा तुम डाइंग टू मीट यू, एक घंटे से वेट कर रहा हूं। बता देना अपने पेरेंट्स को प्लीज कि हम शादी कर रहे हैं, नहीं तो मैं आता हूं बात करने। कम फास्ट, लव यू, बाय। नीले माय गॉड, मोबाइल तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ याद आ गया, वरना रास्ते से फिर वापस लौट के आना पड़ता। क्या पापा, मैं इतनी देर से मोबाइल ढूंढ रही हूँ और आप बता भी नहीं रहे कि मोबाइल आपके पास। सुनो, ये नीले कौन है? नीले वो एक फ्रेंड है। राधिता तुम कहीं नहीं जाओगी। पापा मैं, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। जो तुम समझ नहीं पा रही वो मैं बता रहा हूं। सिर्फ बताना काफी नहीं है पापा, समझाना भी पड़ेगा। कुछ बातें ना ही कही जाएं तो अच्छा है। मैंने उस लड़के के बारे में पता किया, पढ़ा लिखा था लेकिन बेरोजगार था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था। मैंने आराधिता को समझाने की पूरी कोशिश की कि बेटा फैसला करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, मगर उसका फैसला, उसकी जिद, पता नहीं, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, फिर ऐसे खड़े रहने का भी कोई मतलब नहीं है ना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है। पापा अगर मैंने वाकई कोई गलती की होती तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके सामने बात कर पाती। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं तुम उस लड़के को भूल जाओ। फिर मुझ पे छोड़ दो। क्या? जो भी है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा उसकी फिक्र है मुझे। मैं जानती हूं पापा आपने हमेशा अच्छा सोचा है मेरे लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने भी मुझे अच्छा बुरा सोचने की समझ दी है? मानता हूं, लेकिन इस मामले में इंसान की सोच कई बार काम नहीं करती, वो जान नहीं पाता क्या सही है क्या गलत, और फिर जिंदगी भर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो आप सही सोचने में मेरी मदद भी तो कर सकते हैं ना? वो ही तो कर रहा हूं, जो तुम समझ नहीं पा रही वो मैं बता रहा हूं। सिर्फ बताना काफी नहीं है पापा, समझाना भी पड़ेगा। कुछ बातें ना ही कही जाएं तो अच्छा है। नहीं पापा
कुछ बातें बिना कहे समझ भी नहीं आती। समझने की कोशिश करोगी तो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझने की कोशिश कर चुकी पापा, नहीं समझ पाई, इसीलिए तो सुनने आई हूँ आपके पास। उस लड़के में क्या खूबी नजर आती है तुमको? ईमानदार है, मेहनती है, बेरोजगार है। नहीं, ही इज एन इंटीरियर डेकोरेटर। काम मिलता है उसको? बिल्कुल मिलता है, ईमानदारी से जितना भी पॉसिबल है। कितना कमा लेता है? गुजारे लायक। और उसके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी जलगांव में हैं, उनका साइकिल का बिजनेस है। साइकिलों की दुकान है, शर्म आ रही है कहने में? साफ साफ कहो ना। हाँ, साइकिलों की दुकान है, शर्म क्यों आएगी कहने में? कोई शराब का धंधा या मटका थोड़ी चलाते हैं। साइकिल की दुकान चलाने वाले के घर जाएगी मेरी बेटी? क्यों, वो इंसान नहीं होते? इंसान तो भिखारी भी है। हाँ बिल्कुल है, और अगर उसका बेटा पढ़ा लिखा है, मेरे मेंटल लेवल का है, इंटीरियर डेकोरेटर है, तो मुझे उससे रिश्ता जोड़ने में भी कोई एतराज नहीं है। मुझे है। किस लिए? इसलिए कि मेरी बेटी के साथ मेरा नाम जुड़ा है। ईगो है आपकी, गुरूर है झूठा। नहीं, इज्जत है मेरी। ठीक है, आप अपनी इज्जत की खातिर अपनी मर्जी से मेरा रिश्ता कर देंगे। आप उसके खानदान को जानते होंगे, लेकिन लड़के को नहीं। कल को वो लड़का शराबी निकला, बेईमान निकला, मुझे छोड़ देगा, दूसरी शादी कर लेगा, तब? कल के बारे में क्या कहा जा सकता है? वही तो मैं समझाना चाहती हूँ, जब कल पे ही हमारा बस नहीं है, तो आज जो हमें सही लग रहा है, क्या हमें वही नहीं करना चाहिए? लेकिन आज तो सही लगना चाहिए। गलत लगने की वजह भी तो होनी चाहिए। मुझे अच्छे बुरे की परख ज्यादा है तुमसे। किसी एक चीज में हो सकती है, हर चीज में नहीं। तो कुछ चीजों में तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है। हो सकता है। तो फिर बहस करने का क्या फायदा? अपनी समझदारी से जो तुमको करना है करो। लेकिन मैं अपने फैसले से आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अगर मेरी फिक्र है तो मेरी बात मान जाओ, अगर नहीं मानना है तो मेरी चोट की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपकी यही जिद दूसरों को जिद्दी बनने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। सुनिए, आराधिता कहाँ है? कहाँ है वो? पता नहीं, कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने सब तरफ देख लिया, क्या करूं, किसे फोन करूं, किससे पूछूं? कविता, किससे पूछोगी, क्या पूछोगी, क्या कहोगी कि तुम्हारी लड़की गायब हो गई है, घर छोड़ के भाग गई है? तो क्या करूं? अपना काम करो। जिसको तुम्हारी फिक्र नहीं, इस घर की फिक्र नहीं, उसकी तुम्हें क्यों इतनी परवाह है? आप क्या कह रहे हैं? बेटी घर से गायब है और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे? तो क्या करो? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगी, पुलिस उसका पता लगाएगी, फिर हमारे सामने उसको लाके खड़ा कर देगी। अब वो कहेगी, मेरी उम्र तो बालिग है, मैं अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ आई हूं। फिर बेइज्जती के अलावा तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन ये सोचकर चुपचाप तो नहीं बैठा जा सकता ना? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ना ही कुछ किया जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो किस हाल में पता तो लगाना पड़ेगा। किस लिए पता लगाना है? वो बहन है मेरी, अगर नादानी में आकर उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया है तो क्या उसे मुश्किल में ढकेल दें हम? नादानी में किसी ने आत्महत्या कर ली तो क्या करोगे? आत्महत्या नहीं की है उसने। तुम्हें कैसे पता? आपसे बेहतर समझता हूं मैं उसे।
ठीक है, जाओ संभालो उसको, लेकिन वो इस घर में वापस कदम नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए मर चुकी है और ये घर मेरा है। ठीक है, तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। मेरा घर अलग भी हो सकता है ना। आपकी यही जिद दूसरों को जिद्दी बनने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई और अब मैं भी जा रहा हूं उसका पता लगाने। अकेला रह गया, सब मुझे गलत ठहरा रहे थे, लेकिन मैं डटा रहा, इसी कोशिश में लगा रहा कि उन सबको एहसास हो जाए कि गलत मैं नहीं वो है। सर, सॉरी, वेरी सॉरी। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। बेटी के बारे में आपको सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन बेटी को भी अपने बारे में सोचने का अधिकार है कि नहीं जिंदल साहब? आप मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ना, वो आपके पहचान में है ना, वो प्राइवेट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? डिटेक्टिव किसको चाहिए? और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। आप वो हैं जिसके साथ वो लड़की चली आई, लेकिन उसके बाप पर क्या बीती होगी ये आपने सोचा है?